हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे कि हमारा सीबीएसई ने न्यू सिलेबस में क्या किया है। सीबीएसई ने हमारा 30% ज्योग्राफी का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। उसमें से कौन से चैप्टर है जो अब हमें नहीं करने, जो सीबीएसई ने कट कर दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट की। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, इसमें सबसे पहले हमें पहला फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। ये हमें करना है। सेकंड चैप्टर आ गया हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, यह हमारा चैप्टर सीबीएसई ने कट करवा दिया है। थर्ड है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जिसमें गंगा यमुना रिवर, रिवर बेसिन, इन सभी बातों को करना है, ये हमारे इंक्लूड है। फोर्थ चैप्टर आ गया हमारा क्लाइमेट। ये चैप्टर भी सीबीएसई ने कट करवा दिया है। फिफ्थ चैप्टर वेजिटेशन। सिक्स्थ आ गया सोइल। सेवन्थ आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट। ये चैप्टर भी सीबीएसई ने कट करवा दिया है। तो अब हमारे टोटल 1, 2, 3, 4 मेन लिए 4 सब्जेक्ट, 4 चैप्टर बचे हुए हैं जिनको हमें पढ़ना है। ये डिलीट करवा दिए गए हैं, ये भी डिलीट है और ये भी डिलीट है। अगर आप लोगों को इन चैप्टरों के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, इंट्रोडक्शन में, ड्रेनेज सिस्टम में, वेजिटेशन में और सोइल में, तो आप हमें मैसेज करें, हम इन चैप्टर को दोबारा रिवीजन करेंगे, अन्यथा हम अपने सेकंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं। आप अफसोस मत करना कि आपने क्लाइमेट वाला चैप्टर 2 बार रिवीजन कर लिया है और ये आपके सिलेबस से अब हट गया है। इसका हमें फायदा होगा क्योंकि क्लाइमेट से ही हमें पता चलता है कि वेजिटेशन कैसी है, सोयल कैसी है। हमने इस चैप्टर को 2 बार पढ़ लिया था तो ये हमारे लिए आगे के लिए फायदा करेगा, वेजिटेशन और सोयल के चैप्टर में। और अब हम सेकंड बुक से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी सेकंड बुक है। ये बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक में जो जो चैप्टर सीबीएसई ने कट कर दिए हैं वो हम साथ के साथ सिलेबस करते समय बताते रहेंगे। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हमारी सेकंड बुक से 4 चैप्टर सीबीएसई ने कट किए हैं, जिनमें से सेकंड चैप्टर है द ओरिजन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एक तो ये चैप्टर हो गया सेकंड। एक हमारा 7th चैप्टर है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। ये चैप्टर सीबीएसई ने कट किया है।
एक हमारा 10th चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। यह हमारा 10th चैप्टर है जो सीबीएसई ने कट किया है। और एक है 12th चैप्टर वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ये चैप्टर है जो हमारा सीबीएसई ने कट किया है। इन 4 चैप्टर को छोड़कर हमें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की कंप्लीट बुक पढ़नी है। तो टुडे हम स्टार्ट करेंगे अपने 8 चैप्टर से, स्ट्रक्चर कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये 4 चैप्टर आपने नोट कर लिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। इन 4 चैप्टर को डिलीट किया है। कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यह हमारा 2nd बुक का 8th चैप्टर। इससे हम 2nd बुक की शुरुआत करेंगे। तो आप एटमॉस्फेयर से क्या समझते हैं? हमने जनरली हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हम सांस लेते हैं। हम खाना खाए बिना, पानी पिए बिना 1 या 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। ब्रीथ, इसके अंदर हमारे अंदर ऑक्सीजन गैस जाती है, कई गैसों का हम मिश्रण लेते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे मतलब हम सभी गैसों को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन को ही अपने अंदर लेते हैं। हम सभी गैसों को अपने अंदर लेते हैं, लेकिन जो हमें हमारे फेफड़ों को चाहिए ऑक्सीजन, वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ये सभी गैसें एटमॉस्फेयर में होती है। एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों ओर फैला हुआ होता है। अर्थ, ये अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अर्थ से जुड़ा हुआ है। ये एक कंबल की तरह कार्य करता है एटमॉस्फेयर। ग्रेविटेशन और फोर्स के कारण जुड़ा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का 99% भाग लगभग 32 किलोमीटर की हाइट पे आ जाता है। मीन एटमॉस्फेयर 32 किलोमीटर के बाद ओनली 1% बच जाता है। एटमॉस्फेयर में मुख्यतः मेनली इसमें गैसेस होती है,
वाटर वेपर होते हैं, और डस्ट पार्टिकल होते हैं। कंपोजिशन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। इसके ऊपर बहुत सारी लेयर होती हैं, जिनमें से जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैक्सिमम 120 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। इसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की गैसें हैं जो 90 किलोमीटर के बाद में बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस हैं, उनकी मात्रा कितनी है और वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट करती है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले आता है गैसेस, गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी गैस की है, वो है नाइट्रोजन। इसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में 78.04% है। और सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन, ये हमारे एटमॉस्फेयर में 20.24% है, लगभग हम इसको 21% भी बोल देते हैं। फिर नंबर आता है आर्गन का, इसकी मात्रा 0.94% है। फिर आएगा आर्गन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%, ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद में आएगा ओजोन, ओजोन लेयर भी है, ओजोन गैस भी है, ओजोन गैस की मात्रा 0.406%, जो कि बहुत ही कम मात्रा में है। इन गैसों का हमारे जीवन में अलग अलग महत्व होता है। नाइट्रोजन क्या करती है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ना हो तो मीन ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो गई तो मीन अपने आप सभी चीजें जलने लगेगी। जो हमारे यहाँ पे अस्पतालों में वो फायर ब्रिगेड वाले रखते हैं ऐसे, वो लाल लाल उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन ही होती है, जिसके कारण जल्दी सी आग बुझाई जाती है। सेकंड नंबर पे बात है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है हमारे में, और ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, इसी गैस के आधार पर हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है। जीव जंतु, मनुष्य सभी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। आर्गन, आर्गन की मात्रा 0.94% है, इसका कम महत्व है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी के ऊपर आने वाली सूर्य की किरणें वो सीधी आएंगी और वो आके एकदम चली जाएंगी, मीन दिन के समय तो गर्मी ज्यादा अधिक होगी और रात के समय इतनी सर्दी हो जाएगी कि बिल्कुल सब कुछ जम जाएगा। ये जब अर्थ पर सूर्य की किरणें आती हैं, ये हो गई हमारी अर्थ, ये सनरेज आती है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस सनरेज को अवशोष करके और ये इसको नाइट के अंदर छोड़ती है, अब्सॉर्ब कर लेती है ये टेम्परेचर को। इसलिए इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ओजोन लेयर, ओजोन गैस, ओजोन गैस क्या करती है कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है ये उनको अब्सॉर्ब करती है, जिससे हमारे कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। पैराबैंगनी, इसको हिंदी में पैराबैंगनी विकिरण बोलते हैं, जिनको ये ओजोन लेयर रोकती है।